नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त आप जो मेरे पीछे इतनी बड़ी ट्रैफिक की दुर्व्यवस्था देख रहे हैं, दूर तक लगा हुआ जाम देख रहे हैं, यह आज आम दिन नहीं बल्कि यूपी पेट के एग्ज़ाम के दिन है। लोग फैज़ाबाद, अयोध्या, बस्ती से गोंडा पेपर देने आ रहे हैं और हाल ये है कि लोगों की गाड़ियां हर तरफ खड़ी हैं। अब लोगों ने पैदल जाना शुरू कर दिया है। सेकेंड हाफ में अब जो लोग पेपर देने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं फैज़ाबाद का रास्ता है ये। इस बस पे खड़े होकर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ तक कैमरा देखेंगे आप वहाँ तक जाम दिखेगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जब इतना बड़ा पेपर था, इतनी बड़ी परीक्षा थी, तो आखिर जो जिला प्रशासन था गोंडा का, ट्रैफिक व्यवस्था था, पहले से क्यों नहीं तैयार था कि इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो एक पहले से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी वो क्यों नहीं बनाई गई। अब जब इतना बड़ा फेल्योर है और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए बच्चों को जो नुकसान होगा देरी की वजह से, इसका जिम्मेदार कौन है। ये साथ ही साथ हम आपको दिखा दें जिन लोगों को देरी हो रही है, जो ये वन वे रोड है गोंडा फैज़ाबाद रोड, ये वन वे है, बावजूद उसके लोगों ने किस तरह से सिर्फ जाने वालों की लाइन लगी है, उधर से आने वालों को बिल्कुल जगह नहीं मिल रही है। हम आपको फिर से दिखाना चाहते हैं कि इतनी बड़ी फ्लॉप नजर आई है ट्रैफिक व्यवस्था, इसका जिम्मेदार कौन होगा। आप मेरे पीछे जस्ट देखेंगे एम्बुलेंस तक फंसी हुई है कि अगर जिसे इलाज के लिए अपने अस्पताल पहुंचना होगा उसका क्या होगा, ऐसे में मरीज की मौत हो जाती है, हालत गंभीर हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। आप देख सकते हैं चलती हुई गाड़ी पर हम ये वीडियो कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं जो पेपर देने के लिए जा रहे हैं, अब हम उनसे नीचे चलेंगे और बात करेंगे कि अगर पेपर छूटता है तो उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं। जो शासन प्रशासन दावे और वादे करता है वो कितना ज़मीनी स्तर पर, कितना ज़्यादा सक्सेस और फ्लॉप है। आइए चलते हैं नीचे और तमाम आए हुए विद्यार्थियों से जानते हैं कि क्या पेपर दे पाएंगे या पेपर छूटेगा, और छूटेगा तो जिम्मेदार कौन होगा। अब जो बाइक से या कार से आए हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों को, अपने वाहन को छोड़कर पैदल जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पेपर का जो वक्त है वो लगभग हो चुका है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जाम लगा है। जब हमने कवरेज करना शुरू किया तब कुछ पुलिस वाले निकले हैं और इस जाम को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं उन पर चालान कर रहे हैं। आपने बहुत देर से ये देखा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, जो व्यवस्था है वो किस तरह दिखाई पड़ी। व्यवस्था तो बहुत ही ख़राब दिखाई पड़ रही है, प्रशासन को एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि आज बच्चे कई दूर दूर से, कई जिलों से आज पेपर देने आए हैं, तो ताकि हर प्रशासन को रोड पर रहना चाहिए, इंतजाम हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। पेपर दिलाने आए थे आप भी? बिल्कुल पेपर दिलाने आए। भाई साहब जो व्यवस्था है क्या कहेंगे? नाकाम है भैया, प्रशासन एकदम नाकाम है, कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? सब व्यवस्था ध्वस्त है प्रशासन की। देख सकते हैं ये जो लड़कियां हैं इनकी गाड़ियां पीछे है, ये गाड़ियों से उतरकर और आए हैं अपना जो रास्ता कैसे छूट सके। कैसे, कब से परेशान है इस ट्रैफिक में? 15-20 आधा घंटा हो गया। पेपर का टाइम हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या मानते हैं कहाँ पर फेल्योर रहा है? ट्रैफिक फेल्योर है क्योंकि गवर्नमेंट को ट्रैफिक सिस्टम को मैनेज करना चाहिए था इस टाइम पे। कई किलोमीटर में जाम लग चुका है। हाँ जी। तो जो और पीछे बच्चे होंगे वो क्या लगता है पहुँच पाएंगे? मुझे गेट बंद कर देंगे और गेट पे जाके आप रोओगे भी तो भी गेट नहीं खुलने वाला है। तो इसका जिम्मेदार किसको मानती हैं आप? गवर्नमेंट फेलियर बता रहे हैं। और ये देख सकते हैं जो व्यवस्था है, बच्चे 5 मिनट देर से पहुंचेंगे तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। प्रशासन फेल है। प्रशासन क्यों फेल मान रहे हैं? अरे इसमें शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार है मालिक। दोनों जिम्मेदार? बिल्कुल। चलिए, प्रशासन को फेल बताया जा रहा है, उनको जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन कुछ जिम्मेदार ये भी हैं कि गलत तरीके से गाड़ियों को दूसरे लेन में ले जा रहे हैं, तो ये जिम्मेदार है किसी भी पार्टी के की गाड़ियाँ हैं। भाई साहब लगातार ये इधर से जाने वाला रास्ता है लेफ्ट साइड हमारा, और जो राइट साइड है वो आने वाला है, बावजूद उसके आप देख सकते हैं कितनी लेन लगी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5 तक सिर्फ लोग एक साइड से जा रहे हैं, क्योंकि पेपर जो कॉलेज है वो इधर ही है। आसपास के जिलों के लोग आज गोंडा में आए हुए हैं और इतनी बड़ी समस्या क्या नगर कोतवाली पुलिस को नहीं रखनी चाहिए? क्या ट्रैफिक व्यवस्था पहले से दुरुस्त नहीं रखनी चाहिए थी? आज अगर जिन लोगों का देरी की वजह से एग्ज़ाम छूटेगा इसके जिम्मेदार कौन होने वाला है, सवाल इस बात का है। और जब हमने इस कवरेज को शुरू किया है तब पुलिस वाले जागे हैं और गलत तरीके से आ रही गाड़ियों पर चालान किया है। क्या कुछ हुआ है, कैसे चालान हो रहे हैं, कैसे जो गलत तरीके से गाड़ियों की वजह से जो जाम लग रहा है वो हम आपको इस वीडियो में आगे दिखा रहे हैं। आप देखिए और तय कीजिए कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इतनी बुरी व्यवस्था, इतनी बुरी ट्रैफिक व्यवस्था, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है।
गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट जो वादे करते हैं, दावे करते हैं कि हम व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं, हर चीज को सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो क्या ये दावे, ये वादे खोखले नजर आते हैं या सच में हैं? एकदम खोखले हैं, एकदम खोखले हैं। अगर आज आपका पेपर छूट जाता है, खुदा ना खास्ता, हम नहीं चाहते ऐसा है, तो क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कर रहा है उस पे वो अप्लाई नहीं कर रहा है, कर रहा है कि हाँ हम ये पेट निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, लेकिन हम लोग कैसे देने जाएं? इतना मतलब ट्रैफिक रहता है हम लोगों के लिए, कुछ तो वो लोग मुहैया करवाएं, बसें मुहैया करवाएं, 2-4-10 बसें निकालें कि हाँ स्टूडेंट के लिए। कटनी और करनी में फ़र्क बताया जा रहा है, आप भी पेपर देने जा रहे हैं? कहाँ से आए? बस्ती से। बस्ती से आ रहे हैं? हाँ जी। कितना देर हो गया? हम तो सुबह 8 बजे घर से निकले। 8 बजे, और इस जाम में फंसे हुए कितना देर हो गया? ये तो 2 घंटे से ऊपर हो गया बिल्कुल। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं 2 घंटा हो गया? ये प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी है। हाँ जी। और भी लोग हैं भाई साहब पेपर देने आ रहे हैं, कहाँ से आए? बस्ती से। बस्ती से आए और 2 घंटे से जाम में फंसे बताया जा रहा है। सही है। पेपर छूट जाएगा कौन जिम्मेदार? प्रशासन ही होगी, और कौन जिम्मेदार? सबसे पर प्रशासन ही जिम्मेदार है उसका है। कितने टाइम से तैयारी? 2 घंटे हैं, कम से कम साल भर से तैयारी कर रहे हैं जी सर। और इस व्यवस्था की वजह से पेपर छूटता है जी? जैसे प्रशासन प्रशासन ये लेन है, ये लेन है। ये सब लाइन है, सब लाइन है। रियायत नहीं भैया, मारते रहो यार। पेपर देने जा रहा तो जा, पैसे जाओगे आप बताइए, उसमें खुद देखिए ना आप पैसे तरफ जाम लगा देते बताइए आप। अगर वो अपनी लाइन होते तो काम पहुंच जाते। आओ बनाओ, आओ बनाओ, बनाओ।